हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर माहम और मैं आपके साथ आज अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और मैं यूके में रहती हूँ और यूके के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाली हूँ और शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। और फर्स्ट व्लॉग मेरा आज जो सबका फेवरेट होता है फूड, तो फूड आइटम्स पे मैं सबसे पहला अपना व्लॉग आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि सबसे चीपेस्ट सुपरमार्केट कौन सी है यूके में, जहाँ आप आकर एज अ बिगिनर आप मतलब अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स आप जब किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो आप आके इतना एक्सपेंस किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता कि वो आकर होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खाना जो है वो खुद अपना बनाया हुआ खाना पसंद करते हैं। तो चीप रेस्टोरेंट्स एंड सुपरमार्केट्स यहाँ के जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है ग्रॉसरी की बात कर लेते हैं, तो सबसे जो मेरा फेवरेट है लिडिल, एस्टा और पाउंडलैंड है। पाउंडलैंड में कुछ चीज़ें ग्रॉसरी की मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। तो सबसे पहले लिडिल की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको सब वेजिटेबल फ्रूट आइटम्स सब फ्रेश मिलेगा। आपको चिकन मीट एवरीथिंग वहाँ पर अवेलेबल है और स्पाइसेस भी, इंडियन एशियन फूड्स भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और उनके रेट्स सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, चीप प्राइस हैं यूके में। फिर सेकेंडली है एस्टा है एंड देन एलडी है, ये जो है इनके प्राइसेस रेंज में होते हैं। तो आप यहाँ से ग्रॉसरी खरीद सकते हैं और खुद अपने कुकिंग करके अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रोज़ बाहर रेस्टोरेंट से होटल से खाना खाएंगे तो इट्स डिपेंड्स टू यू, लाइक यू कैन डू। बट ये है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप एज अ बिगिनर आ रहे हैं तो आप जो है घर पे ही खाना बनाएं, घर पे ही अपना कुकिंग करें और वो आपको मंथली हेल्प करेगा आपके बजट में। तो अराउंड 200 तक जो है एक सिंगल पर्सन का एक्सपेंस है अगर आप अच्छा मतलब सही खाते हैं, ज़्यादा जो है स्नैक्स वगैरह नहीं खाते हैं तो 200 के अराउंड हो जाता है। बट अगर आप जैसे पसंद करते हैं बहुत स्नैक्स को, डिज़र्ट्स को या और फ्राइड आइटम्स को, तो फिर वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो वो आपका बजट जो है 300 से 400 pounds मंथली चल जाता है। तो ये इसके बारे में है। और मिल्क जो है उसका रेट सेम ही है हर सुपरमार्केट में, कुछ पेंस का फ़र्क आता है बट दैट्स फाइन। और ब्रेड आपको हर सुपरमार्केट से मिल जाती है, एग्स ब्रेड और चीज़ आइटम हर जगह से मिल जाता है, तो वो आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हाँ, जो पाकिस्तानी इंडियंस आ रहे हैं उनके लिए स्पाइसेस जो है वहाँ यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वो ऑफकोर्स के एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, एशियन कंट्री से, तो वो यहाँ पर बहुत कॉस्टली मिलता है। तो आपके जितने भी आप मसाले यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान से मैं तो जब जाती हूँ तो मैं पाकिस्तान से ही अपने मसाले वगैरह लेकर आती हूँ। तो आप जैसे कि बिरयानी के मसाले हैं या कोरमा या जो भी आप पसंद करते हैं, तो वो मसाले आप 6 months के एटलीस्ट विद इन 1 year की एक्सपायरी के साथ आप एटलीस्ट 6 months तक के मसाले आप लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो मसाला जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिरयानी मसाला पाकिस्तान में 150-200 का मिल जाता है, वो यहाँ पर 400-700-800 डिफरेंट प्राइजेज हैं हर सुपरमार्केट के, एशियन या इंडियन स्टोर के। तो वो इस हिसाब से एक पैकेट आपको 900-800 में मिलता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो ऑफकोर्स सब एशियन है तो वो इस तरह के खाने तो खाएंगे अपने एशियंस, तो इस वजह से आप अपने मसाले लेकर आएँ साथ में और साबुत मसाले भी लेके आएँ, जो भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। फिर अब अगर आप जैसे खीर वगैरह खाते हैं इसके पैकेट्स भी लेकर आएँ वहाँ से, क्योंकि कपड़े यहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, बट जो फूड आइटम है वो एक्सपेंसिव है, स्पेशली इंडियन एशियन फूड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं। तो ये है। और हाँ, आप अपने बर्तन खुद साथ लेकर आएँ, बर्तन भी एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पर मोस्टली स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं, तो वो मैं तो प्रेफर नहीं करती, अगर आप यूज़ करते हैं दैट्स फाइन। और यहाँ पर सेरेमिक में भी मिल जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी मिल जाते हैं और नॉन स्टिक भी मिल जाते हैं, बट नॉन स्टिक
अगेन बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, तो अगर आप सिल्वर स्टील यूज़ करते हैं, अगर आपको सिल्वर स्टील ही पसंद है तो आप सिल्वर स्टील के बर्तन, स्पून्स, प्लेट्स, आई मीन प्लेट्स तो यहाँ से भी ले सकते हैं, कप भी ले सकते हैं, बट आप जो क्रॉकरी है वो आप वहाँ से लेकर आएँ, कुकिंग पॉट्स वहाँ से ही लेके आए तो बेहतर है, दो तीन कुकिंग पॉट्स आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप ये हो गई खाने पकाने की सारी चीज़ें, ऑयल, राइस, सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है, वो आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वो रीज़नेबल प्राइस में आपको डिफरेंट सोर्सेज मिल जाती है, मॉडिसन से भी आपको सब बल्क में क्वांटिटी मिल जाती है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप प्रेफर करते हैं वो आप लेकर आएँ वहाँ से, ताकि आपको आपके मंथली एक्सपेंस में हेल्प करेगा। बाकी मैं आपके साथ बहुत सारी मैं शॉपिंग की वीडियोस भी शेयर करूँगी, जब मैं जाऊँगी तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी कि किस तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, और उनके प्राइसेस भी शेयर करूँगी आपके साथ, और स्टडी वीज़ा पे भी बनाऊँगी वीडियो, वर्क वीज़ा पे भी आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करें। थैंक यू, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।